जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाहनामा फ़ारसी की एक ऐसी कदीम और तवील मसनवी है जो नादिर रोज़गार शख्सियत या शायर फिरदौसी के ज़ोर कलम का नतीजा है। एक लंबे अरसे तक तारीख़ शेर व अदब में इतनी तवील और तूल तवील मसनवी कोई और नहीं मिलती। यहाँ तक कि हम अहद आलमगीरी में हम चुनान के अगैद दुद्द दहगाई इशारे फरमुदान अहद आलमगीरी में एक शायर हमें नज़र आता है मोहम्मद रफ़ी ख़ान बाज़िल मशहदी, जिसने शाहनामे की बहर में हमले हैदरी नाम की एक तवील मसनवी लिखी जिसमें 90,000 अशार हैं। शाहनामे के बारे में कहा जाता है कि इसमें 60,000 अशार हैं। शाहनामे में 60,000 अशार थे और उससे तवील कोई और मसनवी नहीं मिलती थी, लेकिन बाज़िल मशहदी के हमले हैदरी में 90,000 अशार हैं। और ये किताब ठीक उसी तरह जिस तरह से शाहनामे के तर्जुमे हुए उसकी तकलीद में किताबें लिखी गईं, ठीक उसी तरह हमले हैदरी के भी तर्जुमे हुए उसकी तकलीद में किताबें लिखी गईं। और कमाल की बात तो ये है कि बाज़िल ने इस किताब को मुकम्मल नहीं किया था, बाद के शुआरा ने उसे मुकम्मल किया है। इसी लेकिन शाहनामे के लिए एक बहुत दिनों तक एक सवाल ये उठता रहा है कि आखिर शाहनामे का कलमी नुस्खा कोई ऐसा मखतूता कहीं दस्तयाब क्यों नहीं होता जिसमें कामिल 60,000 अशार मौजूद हों। बहुत पहले एक साहब थे, उनका नाम है सैयद रज़ा कासिम मुख्तार। उन्होंने वो हमेशा अपने नाम के साथ सयाह ममालिक इस्लामिया का लाहिका लगाते थे और अपने मजामीन के साथ, उनके मजामीन भी बहुत हैं, उन्होंने अदबियात उर्दू और फ़ारसी के हवाले से बेशुमार मजामीन लिखे हैं। बदकिस्मती से उनका कोई मजमुआ शाया नहीं हुआ। उन्होंने शाहनामे के अशार के बारे में भी एक अच्छा मजमून लिखा था और उन्होंने दुनिया के मशहूर तरीन कलमी नुस्खों के हवाले के साथ ये बताने की कोशिश की है कि कोई नुस्खा 60,000 अशार पर मुश्तमिल नहीं मिलता। देखना यह है कि ऐसे नुस्खों की कितनी तादाद है जिसमें तारीख के मुताबिक 60,000 अशार पाए जाते हैं या नहीं। दूसरा मौजू जो मैं चाहता हूँ आपके सामने अर्ज़ करूँ वो ये है कि शाहनामे से मुतासिर होकर जो मसनवियाँ लिखी गई हैं दोनों ज़बानों में उनकी तादाद क्या है और कौन सी ऐसी मसनवी है जिसने शाहनामे से बहुत बहुत असर कबूल किया है, ये अभी वाज़े नहीं है। दो एक ईरान में, दो एक हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। हम और आप ये जानते ही हैं कि शाहनामे के मुख्तलिफ मंजूम और मंसूर तर्जुमे भी हुए हैं, उर्दू में भी हैं, फ़ारसी में भी है। शमशेर खानी तो बहुत मशहूर है, शमशेर खानी से मुतासिर होकर के उर्दू में बहुत से मंसूर और मंजूम तर्जुमे किए गए हैं जिसमें मुंशी मूलचंद का तर्जुमा कई बार छप चुका है और सरफहरिस्त है, सब उसे पहचानते हैं और जानते हैं। देखना यह है कि दक्कनी शायरी में हमारे इस शाहनामे का क्या असर पहुंचा है। दक्कनी अदब से दिलचस्पी रखने वालों ने भी कुतुब शाही अहद हो, आदिल शाही दौर हो, बहमनी दौर हो, ये इसके जो मशहूर शुरा गुज़रे हैं उन्होंने भी शाहनामे से मुतासिर हो करके कुछ हिस्सों का तर्जुमा किया है। बाज़ ने उससे किस्से लिए हैं और उन किस्सों को अपने तौर पर नज़्म किया है। तो हमें ये भी देखना चाहिए दक्कनी अदब से दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्मों को कि शाहनामे के क्या असर उन लोगों ने कबूल किए हैं और उसका इजहार किस पर किस तरह से किया है। मैं मिसाल के तौर पर एक मसनवी का ज़िक्र करता हूँ जो बहुत ही मशहूर है, वो है तबई की
बहराम व गुलंदाम पढ़ाई भी जाती है बाज जगहों पर। ये दबिस्तान गोलकंडा का आखिरी बड़ा शायर है। कुतुबशाही दौर के जो नुमाया शुरा हैं उनमें ये भी एक है, लेकिन इसका अहद आखिरी है। इसने बहराम व गुलंदाम के नाम से जो मसनवी लिखी है उसका सन तसनीफ है 1081 हजारों हश्तादो यक। ये बात काबिल तवज्जो है कि दक्कनी शुरा ने निज़ामी गंजवी और मौलाना अब्दुर्रहमान जामी की मसनवियों की पैरवी में भी मसनवियाँ कही हैं, और इस तरह से फ़ारसी जबान और तारीख तमद्दुन के असरात उनके यहाँ ढूंढे जा सकते हैं। मैं बात को मुख्तसर करके शाहनामे पर आता हूँ, इसमें और भी मसनवियाँ हैं लेकिन उनको किनारे करिए। ताबिई ने जो मसनवी लिखी है बहराम व गुलंदाम का जो किस्सा है ये दरवाक़े फ़ारसी से है। वहाँ एक शायर था अमीन सब्जवारी। अमीन सब्जवारी ने शाहनामे से बहराम व गुलंदाम के किस्से को, गुलंदाम का जोड़ा हुआ है बहराम के किस्से को, फ़ारसी में नज़्म किया। उस फ़ारसी नज़्म को वहाँ के दूसरे शुरा ने भी जस्ता जस्ता नज़्म किया है, लेकिन तबई ने पूरी मसनवी को बहराम व गुलंदाम के नाम से दक्कनी में नज़्म किया है। वो किस्सा फ़ारसी का था लिहाजा और शाहनामे से माखूस था, तो फ़ारसी के असरात उसके अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। तभी ने इसे दक्कनी में नज़्म किया है, जैसा कि मैं कह चुका हूँ। जाहिर है कि फिरदौसी ने सबसे पहले तारीख़ ईरान में भी सबसे पहले फिरदौसी ने बहराम को ढूंढा है। बहराम के सिलसिले में जो तफसीलात फिरदौसी ने बयान की हैं उसी को अमीन सब्जवारी ने अपनी मसनवी में और फिर तबई ने अपने यहाँ नकल किया है।